भाई कभी ऐसा हुआ आप चारों में से किसी के इमरजेंसी में ऐसे बाथरूम आया हो, बाथरूम हो ही ना आसपास, ऐसी जगह पे करना पड़ गया हो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ? हम लोग दोनों आती रहे। अच्छा आपने कभी नहीं अक्षयबाजी किया? नहीं। वेरी गुड। सेल्फ कंट्रोल के बार ऐसा होता है ना, गाड़ी में फंसे हैं, हाईवे पे हैं या कहीं हैं, तो कहाँ पे चक्की सर आपने पर्दा ओपन किया था? मैंने नहीं, ज्यादा गाड़ी में ही फंसा था, मैंने बॉटल यूज किया। उसके बाद किसी को पिला भी दिया रास्ते। अब जोकिंग। रितेश आपने कहाँ ये उद्घाटन किया था पहली बार? लेडीज टॉयलेट में। कब की बात है ये? कल की बात है। बोलपा जी आपके साथ कहाँ हुआ था ये? इतनी बार ही होता है कि मैंने अभी जगहें ढूंढ रखी हैं। तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे मालूम है इस रास्ते पे कहाँ रुक के मैं जा सकता हूँ। स्कूल में आप में से कोई फेल हुआ कभी स्कूल में? पूरी क्लास में या सब्जेक्ट में? एक सब्जेक्ट में या क्लास में भी? आप दोनों नहीं। चंकी सर आप क्या आधा क्या मतलब? ये पास ही पागल तो नहीं है? कभी फेल नहीं हुए? वेरी गुड इंटेलिजेंट गाय। अक्षय भाई आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए थे? सब्जेक्ट में क्लास में फेल हुआ। सो स्वीट। कमाल की बात है। मैं फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तीन बार फेल हो चुका हूँ और तीनों बार मेरे वो दोनों दोस्त हैं वो भी फेल हुए। अक्षय उनके पीछे बैठते थे, उनकी कॉपी करते थे तो वो भी। आप क्यों फेल हुए थे सर? माइक देना उनको, पूछना आज मैंने कि ये क्यों फेल हुए थे। हाँ जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मस्ती ज्यादा थी सर और क्या। कौन सी क्लास की बात है ये? सेवेंथ ऑनवर्ड्स, मतलब सेवेंथ एट नाइन्थ सबसे ज्यादा। बाप बोलता बेटा पढ़ेगा कब तू, कब पढ़ेगा, ये सब फेल होते थे हम लोग। आप भी सर साथ में? एट और नाइन्थ। एट और नाइन्थ। अच्छा खड़े ऐसे हुए जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने वाला। पर इस चक्कर में कि हमारा दोस्त भी नहीं पेपर दे रहा तो हम भी नहीं ऐसे ऐसे करके कुछ, और वो आगे चला जाएगा तो कैसे चले। हाथ पे रहना चाहिए ना। क्या दोस्ती आपकी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कोई बात बताइए, ऐसे उछल कूद करते थे अक्षय बाजी स्कूल में भी? सर ये तो पहले से कराटे सीखा हुआ था। अच्छा जी। तो जिमनास्टिक्स में तो ऑलरेडी एक्सपर्ट थे और काफी कुछ तो टीवी में देखते देखते ही सीख गए थे ये। अच्छा जी। तो उछल कूद तो बनता ही है और मेरे ख्याल में इनके जिम के बाहर भी लिखा है ओनली मंकीज अलाउड इनसाइड। अच्छा जो आप फेल हो गए कि चलो जी हमारा दोस्त भी नहीं दे रहा है पेपर, वो तो ठीक आपने कॉपी किया, बाकी आते आपने कॉपी नहीं की, जिमनास्टिक भी करें कुछ ऐसा? नहीं ये कराटे ब्लैक बेल्ट है। अच्छा हाँ सर। और आप भी साथ सर? आप भी? मैं सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या करते, बेल्ट बांधते हैं आप उनको? रवि जो है इनकी मम्मी मेरी मराठी टीचर है, मेरे को मराठी आती है तो इनके मम्मी ने सिखाया। वाओ। तो सर मैंने अक्षय भाई ने बात नोटिस की है, आपके जब भी फ्रेंड्स आते हैं सिर्फ बॉयज आते हैं, लड़कियां नहीं आती है ना? अपर्णा उबीरा पिछली अच्छा, बार भी आई थी। पिछली बार भी अच्छा, आई थी। लास्ट टाइम आप आए थे? आई थी। अपर्णा जी दुनिया का बेस्ट पोहा बनाती है। हाँ। और अभी अभी मैं पोहा खा के आया हूँ। और साबूदाना की खिचड़ी। और साबूदाना की खिचड़ी आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। अपर्णा जैसे आप इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह आई हैं शूट पे, नॉर्मली आप जल्दी उठती हैं? हाँ मैं बहुत जल्दी, मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा जी ये शुरू से ऐसा है कि अभी? हाँ पहले से, हम लोग जाते थे रनिंग करने और हमारे वहाँ गार्डन था एक नंदादीप। अच्छा जी। तो हम लोग भाग के जाते थे और एवरीडे मॉर्निंग हमारा था कि भाग के जाओ फिर आके बैडमिंटन खेलो, लगोरी वी यूज्ड टू प्ले, गुल्ली डंडा, हाँ ये विटी डांडू, विकी डांडू, खोइबा, हाँ सब, और टिक्कर बिल्ला खेलते थे, सो हमारा ग्रुप था एक सब। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैडम, इसको बोलते हैं ये नहीं, ये खेल मत खेलो, तेरे को भी बोल रहा हूँ ओ चंकी। आप सो जाए चंकी सर, अभी टाइम है। थैंक यू पन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। भाई आपने देखा पन्ना जी, आपसे मिलके लगा कि यार संगत का कितना असर होता है, अच्छे दोस्त हो तो आप सब
अच्छा अच्छा सीखते हैं। अच्छा जी आप भी अपने सारे ट्रक ड्राइवर दोस्त छोड़ दो अभी। अच्छा आपने कभी चारों में से किसी ने ऐसे यार दोस्त के फोन से किसी को मैसेज करके किसी का काम बिगाड़ा? डेफिनेटली। पर सब उंगलियां आपकी तरफ उठ रही, क्या करते हो आप? मैंने किया सबसे ज्यादा ये काम। क्या क्या किया पर आपने? किसको मैसेज बता भाई तू बता तेरा कि इन्होंने एक बार मेरा फोन लेके हे बीबी के वक्त विद्या को मैसेज भेज दिया। विद्या बालन। विद्या बालन। अच्छा आई लव यू वेरी वेरी मच। हम शादी की बात, उनकी शादी हो चुकी थी? हम दोनों की नहीं हुई थी। अच्छा दोनों की नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने भी भेजा मुआ मुआ मुआ। ये क्या हो गया? विद्या का मैसेज मुआ 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 में ये क्या? फिर देखा था ये किसने भेजा और ये पीछे बैठ के हंस रहे थे। ये उसका भी फोन अक्षय के पास था। उसको हो सकता है, उसका भी अक्षय के पास हो सकता है। हाँ क्या मिलता है आपको? ऐसे मजा आता है? सुकून, मस्ती होती है। क्यों नहीं, मस्ती करना चाहिए कि नहीं? वैसे तो आप सब फिट हैं वैसे, पर खैर ये तो कुदरत का खेल है। कभी ऐसा हुआ है फाट मार के दूसरे ब्लेम डाल दे? ओके ये मैं तुझसे पूछना चाहूंगा। ये ले तू बता। नहीं ये तो देखिए सवाल थे जनता के। कभी कभी ऐसा हुआ कि आदमी खुद ही ऐसे टर्न करके बाद में बोले व्हाट आर यू डूइंग। चंकी कभी कभी अकेले में भी कर लेते। ये गेम ऐसी है, दो लोगों में पकड़ी जाती है। Correct. क्योंकि एक को तो पता है उसने किया, दूसरे को पता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ किया तीन लोगों में नहीं ये पकड़ी जाती। कभी नहीं। हाँ कभी हुआ ऐसे तीन लोगों में? हम लोग चार हैं। बड़ी ईमानदारी से जवाब दिए हमारे सब कलाकारों ने। सर कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा एक्टर्स के बारे में फैलती रहती है मार्केट में, तो हम बिलीव नहीं करते, हम खुद पूछते हैं। कंफर्म करते हैं। पहला सवाल मुझसे, पहला सवाल आपसे है। अफवाह ये कि फिल्म हाउसफुल के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो सीक्वल में दोबारा कहीं नहीं आते, क्योंकि आप शूटिंग के दौरान उनको उबले हुए गाजर चने मैंने खिला के आप उनका मन ही मार देते हो कि वो आते ही नहीं। अफवाह। ओके अफवाह है रितेश। एक अफवाह ये कि जब आप बांगड़ू महाराज बन के डांस कर रहे थे तो कूदने के चक्कर में दो बार आपका पजामा खुल गया था। अफवाह। चार बार खुला था। चंकी सर आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बार भंडारे की लाइन में आप लगे हुए थे। हाँ हाँ हाँ। आपकी किसी फैन ने पहचान लिया, आपने उसके साथ फोटो खिंचा के उसकी पूरी और भाजी भी ले ली। ये स्क्रीन पे बाला है, मैं रियल लाइफ में बाला हूँ, छीनता हूँ लोगों का दिवाला। ये पता नहीं कहाँ है। मैडम देखिए यही होता है 2 बजे तक जो चलता है। रितेश एक अफवाह ये आपके बारे में कि आप जेनेलिया को जब फर्स्ट डेट पे लेके गए तो आपने समोसा खिलाया था क्योंकि आपका बजट कम था। इनका बजट कम था ऐसा सुनने में आया, अफवाह है। इनका बजट कम था। यही पूरा बजट लिखते थे। नहीं जिनीलिया को समोसे पसंद है। करेक्ट। कुछ यार बॉबी भाई जी आपके बारे में अफवाह है कि आपके वार्डरोब में 1500 से ज्यादा शर्ट्स हैं, 250 से ज्यादा ट्राउजर हैं, 100 बेल्ट, 500 से ज्यादा सनग्लासेस हैं। ये क्या मंगला ड्रेस वाला कह रहे थे? नहीं नहीं ऐसा। ये अफवाह है? अफवाह। पर वार्डरोब आपका काफी बड़ा है लेकिन ऐसा सुना है। वो तो सबके ही बड़े आजकल। ओके चंकी सर आपके बारे में अफवाह है कि आपका जो पास्ता वाला करेक्टर है इतना फेमस हो गया कि जब भी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में पास्ता खाते हैं तो वो ऐसे नहीं लेते हैं आपसे, इस चक्कर में आप कई सालों से पास्ता ही खा रहे हैं। हैं? ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम पास्ता। तीनों टाइम पास्ता, बिल आने के पहले भाग जाता हूँ। एक्चुअली साजन नडवाने ने उनसे पूछे आप जब आएंगे वो, तो ने मुझे कहा कि अगर मुझे पता होता कि आखिरी पास्ता इतना फेमस हो जाता तो मैं उसका रोल पहले ही फिल्म में काट देता। ऐसे क्यों? पता नहीं उनसे पूछे अभी सब। नहीं उन्होंने ये कहा कि अगर उनको पता होता कि रोल एक कैरेक्टर इतना बड़ा होता वो कोई बड़े एक्टर को लेते। ना ना ना, बट नो वन कैन डू इट लाइक यू।
You're the best pasta. And you're the only pasta. अक्षय सर, ये अफवाह है कि आपको एक्सरसाइज करने का इतना शौक है कि लिफ्ट और सीढ़ियां होने के बावजूद भी आप कभी कभी रस्से पे लटक के अपने घर में घुसते हैं। ये सही है, ये अफवाह नहीं है, सही है। ये इसलिए सही है, एक बार उन्होंने कहा मुझे कि मेरे घर पे आ जा, और ये अंधेरी में घर पे रहते थे, उसको उन्होंने जिम में कन्वर्ट किया है। अच्छा, ऊपर दो फ्लोर्स है उसमें, और मैं जब घर पे पहुंचा तो वो एक ओपन एरिया था, और ऊपर से अच्छा ऊपर आ जा ड्यूप्ले में, ऊपर के फ्लोर पे। तो मैं बोला कहाँ से आऊँ, सीढ़ी कहाँ पे है? तो मतलब मेरे घर में सीढ़ियाँ नहीं है। अच्छा, तो उधर कुछ चार रॉड लगे, तो रॉड पे ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहा है। तो दिस इज व्हाट इज डन टू द एंटायर हाउस, ये सीढ़ियाँ वीडियो सब निकाल दिए उन्होंने। तो पर कुछ साड़ी पहन के आपसे मिलने आ जाए तो, तो साड़ी उतार के। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।